भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी कर उन्हें 4 जुलाई को पेश होने को कहा था। हालांकि सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे। मेधा सोमैया का वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया जिसे अदालत ने अनुमति दी। अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा। मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय राउत को CRPC की धारा 204A के तहत समन जारी करके 4 जुलाई 2022 तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को अपमानजनक बयान दिया है ताकि इसे बड़े पैमाने पर जनता देख सके और अखबारों में पढ़ सके। मानहानि की सामग्री देखते हुए पता चलता है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों से मेधा सोमैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता ने मेधा सोमैया पर मीरा भयंदर इलाके में 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा भयंदर नगर निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा ने अपने गैर सरकारी संगठन युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से दुरुपयोग किया था। इन आरोपों के जवाब में मेधा ने संजय राउत से अपना बयान वापस लेने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा था। शिवसेना नेता द्वारा माफी नहीं मांगने की स्थिति में मेधा सोमैया ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी थी। संजय राउत ने न अपना बयान वापस लिया और न ही माफी मांगी, जिसके बाद मेधा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।